वेलकम गाइस। तो आज इस वीडियो में आप लोगों को मैं लूडो स्टार 2 की जो सीपी ट्रिक है उसको ऑटो क्लिकर के साथ कैसे आप प्ले कर सकते हैं। आप लोग एक दिन की जो है वो 2 से 3 हज़ार सीपीज कलेक्ट कर सकते हैं जस्ट एक दिन के अंदर। और इसके अलावा अगर आपके पास एक ऐसा मोबाइल है जो कि बिल्कुल फजूल है, एक्स्ट्रा आपके पास पड़ा हुआ, अगर आप उस पर प्ले करते हैं तो फिर आप इससे भी ज़्यादा जो सीपीज है वो कलेक्ट कर सकते हैं। जस्ट आपने एक क्लिक कर वहाँ पर मोबाइल को छोड़ देना है, चार्जिंग लगा दें या कुछ भी करें, उसको आप छोड़ दें और आपकी जो सीपीज खुद बखुद कलेक्ट होती रहेगी। बहुत ही कमाल की ट्रिक है। वीडियो को लास्ट तक देखना, स्किप नहीं करना, क्योंकि कुछ स्टेप ऐसे हैं जो आपने मिस कर दिए तो आपको समझ नहीं आएगी। तो जैसा कि मिसाल के तौर पर यहाँ पर पहले मैं आपको प्ले कर बताता हूँ, तो ये मैंने प्ले कर दिया, ऊपर देख सकते हैं चल रहा है, अभी खुद बहुत ये सीपीज बनाता जाएगा, ठीक है। और लेफ़्ट भी यहाँ पर मेरा लेफ़्ट है तो खुद बहुत लेफ़्ट करेगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, तो यहाँ पर ये देख सकते हैं उसने लेफ़्ट भी कर दिया है। और इतना टाइम इसलिए ले रहा है कि अगर नेक्स्ट बंदे की बारी आए तो वो खुद लेफ़्ट कर दे, अगर वो लेफ़्ट नहीं करता तो फिर आप लेफ़्ट कर देंगे, ठीक है। एक दफ़ा मैं ये फिर इससे गेम लग चुकी है, सॉरी मैंने स्टॉप कर दिया था, इसलिए 10K की गेम लग चुकी है। तो है तो उस बंदे पे, तो देख सकते हैं ये दूसरी गेम लग चुकी है। खैर इसको हम लोग लेफ़्ट करते हैं, कोई बात नहीं, अगर हो गया हो जाता कभी कभी। तो यहाँ पर मैं एक दफ़ा आपको सेटिंग सारी यहाँ पर शो कर दूँ कि इस सेटिंग को आपने कैसे करना है। एक दफ़ा यहाँ पर फिर से मैं प्ले करता हूँ, एक गेम आप देखें कि कैसे ये प्ले होती है। देख सकते हैं मैं हाथ नहीं लगा रहा, ये ऑटो क्लिकर के साथ खुद ब खुद चल रही है, फिर जो लेफ़्ट है वो मेरे ही है। तो खैर थोड़ा सा यहाँ पर ये वेट करेगा, अगर नेक्स्ट बंदा लेफ़्ट नहीं करता तो ये खुद ब खुद लेफ़्ट कर देगा। बहुत ही कमाल की ये मज़े की ट्रिक है। अगर आप लोग लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं तमाम सेटिंग आपको बताता हूँ, आप लोग कैसे इसको लगा सकते हैं। स्टोरी स्टॉप स्टॉप स्टॉप, ठीक हो गया जी। तो गाइज इसको मैं हाइड कर देता हूँ और इसको मैं बैक कर देता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आप लोगों को ये ऐप कहाँ से मिलेगी, आपने ये ऐप कहाँ से डाउनलोड करनी है, कौन सी ऐप है। तो ये आपको नज़र आ रही ये वाली, इसका ये वाली ऐप है, तो इसको आप लोगों ने सिंपल ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। प्ले स्टोर पर आप लोग जाएंगे तो यहाँ पर आप लोगों ने करना है क्लिक ऐसी, तो ये आपको ये पहले पर नज़र आ रही है ना, यहाँ पर आप पहली या दूसरी पर क्लिक कर लें तो ये खुद ब खुद आपके सामने आ जाएगी। ये वाली ऐप ही आप लोगों ने डाउनलोड करनी है। डाउनलोड करने के बाद एक आधी परमिशन मांगेगी, आपने परमिशन अलो कर देनी है। उसके बाद ये जो इंटरफेस है ना, ये वाला, ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने सेटिंग कैसे करनी है अभी आप लोगों को वो यहाँ पर बता दूँ। मैं गेम को ओपन करता हूँ तो ये आपके सामने सारी सेटिंग में, ये अपने आइज़ वाले को हटाएंगे यहाँ पर तो सारी सेटिंग आपके सामने आ चुकी है। अभी मैं यहीं से आपको सेटिंग सारी समझाऊंगा। आप यहाँ पर इसको फुल करेंगे तो ये आ जाएगा, तो प्लस पर क्लिक करेंगे तो आपका एक जो है वो यहाँ पर बनता जाएगा, ठीक है। ये देख सकते हैं 9 नंबर आ गया। अभी मैं माइनस कर देता हूँ, तो आपने इस तरह कर लेने हैं। और अब मैं आपको सारी सेटिंग बताऊँ। नंबर 1 पर आप लोगों ने पहले क्लिक करना है और इसकी सेटिंग ये रखनी है, अपने ऊपर जो है डिले टाइम है इसको आप लोगों ने 300 मिली सेकेंड रखना है, इसका नंबर ऑफ़ रिपीटेशन 21 रखना है और जो ड्यूरेशन है वो 25 रखनी है मिली सेकेंड। तो इसकी ये सेटिंग करनी है। नंबर 2 आपने देख लेनी है, आप कॉपी पर नोट कर सकते हैं या फिर साथ साथ ही जो है वो आप ऑटो क्लिक कर ओपन कर लें और यहाँ पर आकर उसकी सेटिंग कर लें और बाद में उसको एडजस्ट कर लें अपनी अपनी जगह पर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 2 पर जो सेटिंग है वो आप लोग देख सकते हैं, डिले टाइम 200 है, नंबर ऑफ जो रेपिटेशन है वो 3 है और नीचे जो ड्यूरेशन वो 25 मिली सेकेंड है। नंबर 3 पर क्लिक करता हूँ, डिले टाइम आपने 0 कर देना है, 0 मिली सेकेंड, नंबर ऑफ़ रेपिटेशन 15 कर देना है, यानी कि आपके पास अगर 1 मिलियन की जो बैट लगती है डायरेक्ट तो वो 500 पे आ जाए, 500 पे लगेगी। तो इसके बाद ड्यूरेशन आपने 25 मिली सेकेंड रख देनी है। नंबर 4 पर चलते हैं, नंबर 4 पर जी आपको सेटिंग करनी है 400 मिली सेकेंड और नीचे 1 और उसके नीचे 25 मिली सेकेंड। इसके बाद नंबर 5 पे चलते हैं, नंबर 5 8000 आपने रखनी है, ताकि थोड़ा सा इंतज़ार करें और उसके बाद जो है वो खुद बहुत लेफ़्ट कर दे। नीचे रखना नंबर ऑफ़ रेपिटेशन 1 ही और ड्यूरेशन 25। इसके बाद आता है नंबर 6 की बारी, तो आपने 600 मिली सेकेंड रखनी है, नंबर ऑफ़ रेपिटेशन 2 रखनी है, ड्यूरेशन 25 सेकेंड रखनी है मिली सेकेंड। नंबर 7 की बारी आ चुकी है और लास्ट की, जिसकी आपने 300 मिली सेकेंड रखनी है और 1 जो है नंबर ऑफ़ रिपीटेशन रखनी है, 25 मिली सेकेंड ड्यूरेशन रखनी है।
फिर आपने सेटिंग आप लोगों ने खुद देख लेना कि कौन सी कहां पर आती है, देख सकते हैं। अभी मैं एक दफ़ा यहां पर फिर आपको प्ले करके बताऊं तो ये ऑटो, अब जितनी दफ़ा इसको चाहें आप यहां पर लगा कर सेटिंग रख दें। एक बात आपको और बता दूं कि आपने एक सेटिंग को सेव कैसे करना है, देख सकते हैं उस बंदे ने लेफ्ट कर दिया और ये नंबर साथ जो लॉबी पर था और लॉबी खुद ब खुद यहाँ पर आ चुकी है और दूसरा टेबल स्टार्ट हो चुका है। अभी देखते हैं किस पर आता है। हाँ जी, उस बंदे पर भी ही आया है डाइस, तो उस बंद देखते हैं अब वो बंदा लेफ़्ट करता है या नहीं करता। अगर वो बंदा लेफ़्ट नहीं करता तो आप खुद ब खुद लेफ़्ट कर देंगे। देख सकते हैं नंबर 7 जो है वो लॉबी पर है और यहाँ पर जो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, तो स्टॉप करने के बाद मैं वो लॉबी पर ले जाता हूँ। देख सकते हैं ये सारी सेटिंग है। अभी इसको सेव कैसे करना है आप लोगों ने, सिंपल ये वाला जो आपको ऑप्शन नज़र आ रहा है ना, यहाँ पर आप लोगों ने क्लिक करना है और यहाँ पर अपने किसका कोई भी नेम रख लेना और इसको सेव कर लेना। मैंने ऑलरेडी सेव किया हुआ है तो मैं सेव नहीं करूँगा, तो आपने जस्ट सेव करने के बाद आप लोगों ने यहाँ पर क्लिक कर देना, ठीक है। तो जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी, ठीक है। तो गाइस ये सिंपल सा मेथड है, आप इजीली ऐसे आप डेली के जो है वो बना सकते हैं अनलिमिटेड सीपीज। तो गाइस वीडियो अच्छी लगी लाइक और कमेंट्स अच्छे से ज़रूर किया करो, आपके भाई आपके लिए ऐसा वीडियोज़ लेकर आता रहता है। सब्सक्राइब भी कर दिया करो साथ साथ।